हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह, आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी, एक व्यक्ति अपने जीवन की व्यथा व्यक्त करते हुए कहता है, कभी मैंने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा है। और वो कहता है, कभी गिरते हुए लोगों को मैंने उठाया नहीं, फिर बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा है। उसके आगे वो कहता है, मैं मंदिर गया और पूजा आरती की, और पूजा करते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया, कभी माता पिता की मैंने सेवा नहीं की तो पूजा करने से क्या फायदा। उसके बाद वो कहता है, मैं गया सत्संग सुनने, सत्संग सुनते हुए मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं इंसान होते हुए भी मैंने किसी के ऊपर दया नहीं की तो फिर सत्संग करने से क्या फायदा। और आगे वो और भी कहता है, मैं गंगा नहाने हरिद्वार और काशी गया, और गंगा नहाते हुए मेरे मन में ये ख्याल आया, मैंने अपने तन को धोया मगर मन को नहीं धोया, तो मन को नहीं धोया तो इससे क्या फायदा है। उसके बाद और भी आगे बहुत सारी बातें कहते हैं। मेरे प्यारे बंधु, आज के पाठ में आप लोगों ने सुना पवित्र बाइबल से, प्रभु ईसा मसीह हमसे एक वादा किया था प्रभु ईसा मसीह ने कि मैं दोबारा तुमको ले जाने के लिए इस दुनिया में आऊंगा, मैं अपने पिता के पास तुमको ले जाऊंगा, बस तुम्हें मेरे आने की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। हम सब प्रभु के पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हुए जीवन बिताने वाले हैं इस दुनिया में, और बिताते हैं, और ऐसे बिताते समय हमें क्या करना चाहिए। वह आज के पाठ हमको एक संदेश देता है और एक चेतावनी देता है। संदेश एक है कि हमें प्रभु के पुनरागमन की तैयारी में अपने आप को पूरी तरह तैयार करने की जरूरत है। चेतावनी एक है, अगर हमसे कोई चूक हुई, कोई भूल हुई, तो हम प्रभु के वरदान से या प्रभु के आशीर्वाद से या स्वर्ग राज्य से हम बाहर कर दिए जाएंगे। और आज के पाठ में आप लोगों ने उदाहरण सुना, प्रभु कहते हैं, मैं अपने दूतों के साथ अपने महिमा में आकाश में प्रकट होऊंगा और सब लोगों को दुनिया के कोने कोने से एकत्र करूंगा, और धर्मियों को अपने दाएं हाथ में और अधर्मियों को अपने बाएं हाथ में खड़ा कर दूंगा। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे प्रभु एक एक को एक दूसरे से अलग करेगा, और जो दाएं साइड में खड़े होंगे उनसे प्रभु कहेंगे, मेरे प्रभु, मेरे पिता की कृपा पात्रो, आओ उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे खिलाया पिलाया, मुझे, मैं नंगा था, मुझे पहनाया, मुझे अपने यहाँ ठहराया, परदेशी था तो, और मैं बीमार था तो मेरी सेवा की, और मैं बंदी था तो मुझे मिलने आए। तो उनसे पूछते हैं धर्मी, प्रभु हमने कब आपको ये सब होते हुए देखा, हमने अभी आपको देखा ही नहीं। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे भले ही नहीं देखा हो, तुमने मुझे भले ही नहीं देखा हो, अगर तुम लोगों ने किसी एक छोटे व्यक्ति के लिए भी कोई सब एक अच्छा कार्य किया है तो समझो कि तुमने मेरे लिए किया। आज के पहले पाठ हमने सुना नहीं कि आपने निर्गमन ग्रंथ से प्रभु ईश्वर सिनाई पर्वत पर प्रकट होने के लिए तैयार होकर आते, तो लोग, इसराइली लोग मूसा से कहते हैं कि हम उनसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर हम ईश्वर को नंगी आंखों से देख लेंगे तो हमें से कोई जिंदा नहीं बच जाएंगे। पुराने विधान में लोगों की यही मतलब यही धारणा थी कि अगर कोई प्रभु को नंगी आंखों से देखेंगे तो वो मर जाएंगे। तो प्रभु ने अपने अपने रूप प्रकट करने के लिए प्रभु तैयार हो गए थे, तो लोगों ने मना करने के लिए मूसा से कहा कि हम नहीं मिलेंगे उनसे, तुम जाके मिल लो। और मूसा भी कैसे मिले, मिसर के सामने भी ईश्वर प्रकट रूप से नहीं आया, कुछ संकेतों से, चिन्हों से उनके सामने प्रकट हुआ,
क्योंकि ईश्वर अगर इंसान के सामने प्रकट होता है और हम अपनी नंगे अंगों से प्रभु को देखेंगे तो हमें से कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रभु का कोई रूप नहीं है, प्रभु कोई रूप में प्रकट होता नहीं है। प्रभु का रूप क्या है, मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे कहा था, प्रभु के एक ही रूप है, वो है प्रेम। वो प्रेम जो जिसके मन में प्रेम नहीं है वो प्रभु को नहीं देख सकते। आज के पाठ में हम लोगों ने वही सुना, हमने प्रभु को कभी नहीं देखा जीवन में, मगर छोटे से छोटे भाई हमको देख कर उनकी तंग हालत में, उनकी परेशानी में, उनकी तकलीफों में हम हाथ बांटने के लिए तैयार है या हम हाथ बटाने के लिए तैयार है। अगर हम उनकी मदद करने के लिए तैयार है, मान लो हमने एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाया, प्रभु उसको देखते हैं और प्रभु कहते हैं कि तुमने मेरे लिए ये किया। मान लो मैंने अपने कपड़ा किसी और को दिया, ये तुम रख लो, तुम पहन लो, मान लो मैंने प्रभु को पहनाया। अगर मैंने अपने भोजन का एक हिस्सा किसी दूसरे को, एक भूखे व्यक्ति को खिलाया, तो प्रभु कहता है तुमने मुझे खिलाया, उसको नहीं मुझे खिलाया। हम जो भी छोटे मोटे अच्छे कार्य करते हैं वो सब प्रभु अपने किताब में लिखित उसको लिख देते हैं, प्रभु उस पे हम अपनी किताब में लिख देते हैं कि भलाना व्यक्ति ने भलाना व्यक्ति के लिए भलाना कार्य किया था। तो ये छोटे मोटे कार्य जो हम करते हैं ना, वो प्रभु के सामने बहुत बड़ी बात हो जाती है। अक्सर हम क्या सोचते हैं, हमने कभी प्रभु को देखा नहीं, प्रभु हमारे सामने आया नहीं, तो हम प्रभु की सेवा कैसे करें। मगर जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, तुम्हारे सामने रो रहा है, तुम्हारे सामने कलप रहा है, तुम्हारे सामने दर्द जम रहा है, तुम्हारे सामने परेशानी में डूबा हुआ है, तुम्हारे सामने गरीबी से जकड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को तुम अगर नहीं देख सकते हो तो ईश्वर को भी नहीं देख पाओगे। आज के पाठ में आप लोगों ने सुना, कुछ लोगों से जो गायक खड़े थे, प्रभु ने कहा आओ मेरे प्रभु मेरे पिता की कृपा पात्र, आओ उस राज्य में प्रवेश करो। और उन्होंने उनसे पूछा हमने क्या किया, तो प्रभु ने कहा तुमने खिलाया पिलाया, तुमने मुझे तुमसे मिलने आए, तो उनके अच्छे कार्यों का वर्णन किया प्रभु ने। और बाहर के लोगों ने प्रभु से पूछा, प्रभु ने हमारी क्या गलती, प्रभु जी हमारी गलती क्या, हमने कोई गलती नहीं की। इस बाइबल के आज के इस पाठ में हम लोग उनके बारे में कोई गलती के बारे में नहीं सुनते। बाइबल में यही नहीं लिखा कि बाएं के साइड में जो लोग खड़े थे ना वे सब अपराध करने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं लिखा, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। फिर उनकी गलती क्या थी, जो भलाई करना चाहिए थी वो नहीं की उन लोगों ने। जो छोटी मोटी भलाई हम कर सकते हैं ना, जब हम उसको नहीं करते हैं वो अपराध बनता है। जब मैं किसी को भूखा देखता हूँ उसको खिलाता नहीं हूँ, जब किसी को प्यासा देखता हूँ उसको पिलाता नहीं हूँ, जब किसी को दुखी देखता हूँ उसको दिलासा नहीं देता हूँ, या किसी को नंगा देखकर उसको पहनाता नहीं हूँ, तो मेरे प्यारे बंधुओं ये अपराध है। जो भलाई आप नहीं करेंगे वही अपराध है। आपने जो बुराई की उसकी लेखा प्रभु ने कभी नहीं रखी, प्रभु वो लेखा रखता है। जो भलाई आप करते हैं बुराई की लेखा प्रभु रखते ही नहीं है। अगर प्रभु बुराई की लेखा रखते हैं तो हमें से कोई जीवित नहीं बच जाते हैं। आपको मालूम है हम सब पापी हैं, रोज हम अपराध करते हैं, कोई ना कोई गलत काम करते हैं, है ना, हम करते रहते हैं अपने जीवन में। अगर प्रभु इन सब की लेखा रखते हैं तो हमें से कौन बचता, कोई नहीं बचता। प्रभु क्या करता है, प्रभु अपने भले कार्यों की लेखा रखता है। मान लो मैंने जैसे मैंने आपको कहा ना, अभी दो तीन चार हफ्ते पहले की बात है, मैं उज्जैन में खड़ा था, एक बुढ़ी औरत आई मेरे पास, मेरे से बोला मुझे थोड़ा पैसा दे। मैंने उनसे पूछा पैसा क्यों चाहिए, तो उसने कहा मुझे रोटी खानी, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना। मैं उनको दुकान पे ले गया, दुकान वाले से कहा इसको आटा दे दो, इसको तेल दे दो और उसको जो चाहिए मसाला वो दे दो। एक पूरी थैली भर के दुकान वाले ने उसको दे दिया। मेरा कम से कम 250-300 रुपए खर्च हुआ। मेरे प्यारे बंधु उस दिन जो मैंने पुण्य कमाया ना उसकी कोई तुलना नहीं। अगर मैं उसको 2 रुपए देके 5 रुपए देके उसको भगा देता या उसको कुछ दिए बिना भगा देता ना, तो प्रभु मुझसे नाराज होता,
मैं ये पुण्य करने के कारण आपको नहीं बोल रहा हूँ, हमें ऐसे करने की जरूरत है। ऐसे कई बार हुआ, छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने गिड़गिड़ाते आते, पैसा मांगते, अगर मैं इनको पैसा देता हूँ वो किसी और ले लेता है उनसे। मैं उनसे पूछता हूँ तुमको क्या चाहिए, तो बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ। मैं उनको दुकान पर ले जाता हूँ, खिलाता हूँ, वो उसका पेमेंट मैं दे देता हूँ। मेरे प्यारे बंधु, कोई बड़ा कार्य नहीं है, ये मत सोचो कि मैंने कोई बड़ा कार्य किया, कोई बड़ा कार्य नहीं है, मगर प्रभु के सामने वो कार्य बड़ा होता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं बंदी था कारागृह में था और अपने अपने कैद खाने में था तो तुम मुझसे मिलने आए। तो मेरे प्यारे बंधु, हम सोचते होंगे ना, हम अपने जीवन में इतनी सारी कोई बड़ी गलती नहीं की, प्रभु 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 हमको क्यों स्वर्ग राज्य नहीं दे रहा। गलती करने के कारण नहीं, भलाई नहीं करने के कारण हम पिट रहे हैं। जो छोटी मोटी भलाई हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, हम में से कोई अंबानी नहीं है, कोई अदानी नहीं है, कोई बिल गेट्स नहीं है, मतलब अमीर लोग नहीं है हमें से कोई भी। जो दिल से अमीर है ना, वो भला काम आसानी से कर सकता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे कहने के मतलब यही है, ये मत सोचो कि मैंने कोई अपराध नहीं किया फिर भी प्रभु ने मुझे दंड दिया। प्रभु इसलिए दंड नहीं देता है, प्रभु दंड या सजा इसलिए देता है, जो भला कार्य आप कर सकते थे, जो भला कार्य आपके सामने आपको दिख रही थी उसको आपने नहीं की, इसलिए प्रभु दंड देगा। और हम देखते हैं कि एक दृष्टांत संत लूकास के सुसमाचार में, अमीर और लाजरस के दृष्टांत आप देखते हैं ना। अमीर व्यक्ति जो रोज मलमल पहनकर रोज दावत उड़ाया करता था और उसके गेट पे उसके मकान के सामने कौन पड़ा रहता था, लाजरस, एक बीमार आदमी जो कोढ़ जिसके शरीर में फोड़े हो गए थे, फुंसियां थे, जिनके शरीर से रोज कुछ ना कुछ मतलब कीड़े निकलते थे, एक व्यक्ति उनके सामने पड़ा था गेट के सामने, मगर उस अमीर व्यक्ति ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी उसका ख्याल नहीं रखा। हम कभी बाइबल में नहीं देखते कि उस अमीर व्यक्ति भाग रहा है और उस लाजरस को भगाते हैं, जाओ मेरे गेट के सामने से, कभी नहीं किया उन्होंने, कभी गुस्सा नहीं किया, लाजरस को भगाया नहीं, लाजरस के साथ कोई बुराई नहीं की। फिर भी मरने के बाद अमीर व्यक्ति कहां गया, नरक में गया, लाजरस कहां गया, स्वर्ग में गया। कारण क्या है, अमीर व्यक्ति ने कोई बुराई नहीं की, उसकी कमी क्या थी, उसकी कमी यह थी जो भलाई वो कर सकता था वो उसने नहीं की। मतलब लाजरस नामक गरीब व्यक्ति उसके सामने पड़ा हुआ था, उसकी तरफ देख के अगर एक ठंडा प्याला पानी पिलाते हैं ना, पिलाते हैं अगर, तो वो स्वर्ग राज्य में जाते, मगर वो अपने दौलत के ऊपर कुंडली मारकर बैठता था और अपने स्वार्थ का पूजा, स्वार्थ की पूजा करता था वो। जो भी व्यक्ति स्वार्थी है वो ईसाई कहलाने लायक नहीं है सबसे पहले, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह स्वार्थ नहीं थे। हम अपने स्वार्थ की पूजा करते रोज, है ना, मुझे चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए, ये सब मुझे मिलना चाहिए, दूसरे मरे या जिए मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी भाग मेरा पेट भरना चाहिए, मेरी प्यास बुझनी चाहिए, मेरी भूख मिटनी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे सुविधाएं चाहिए, दूसरे व्यक्ति मर रहे हैं जी रहे मुझे कोई परवाह नहीं है, ये गलत है। तुम खाओ पियो और कोई उससे कोई मतलब नहीं है, और खाते पीते समय, पहनते अपने कपड़ा पहनते समय याद रखो, कोई नंगा फिर रहा है क्या, कोई भूखा सो रहा है क्या, कोई प्यासे या भटक रहे क्या, ये भी सोचना हमारा काम है। हम मैंने कहा ना, हमें से कोई अंबानी अदानी नहीं है, बड़े पैसे वाले नहीं है, पर एक रोटी का टुकड़ा हम किसी को दे तो सकते हैं ना। मैं आधी रोटी खाऊंगा और आधी रोटी किसी और को दूंगा, ऐसा हम सोच सकते हैं कभी अपने मन में, अगर हम सोच सकते हैं, मैं अगर मेरे पास दो जोड़ तीन जोड़ चार जोड़ कपड़े हैं, इनमें से दो मैं किसी और को दे देता हूँ, वो पुण्य का कार्य। तो प्रभु कहते हैं छोटे मोटे कार्यों से पुण्य कमाना सीखो, छोटे मोटे कार्यों से स्वर्ग राज्य में आने का सीखो, और प्रभु ईश्वर के पास जाना हो तो जैसे प्रभु ने कहा, इन छोटे में से छोटे भाई में प्रभु के चेहरा देखना सीखो। तो प्रभु से आज दुआ करें, हमसे अभी तक जो गलती हुई अनजाने, अनजाने मतलब हमने कभी कोई गलती जानबूझ के नहीं की, मगर जो भलाई हमने नहीं की उसके लिए प्रभु से माफी मांगे,
और ये प्रण ले कि आज से जो भी हमारे सामने आएंगे हम हमसे जो बने ना वो काम जरूर करेंगे। प्रभु को ये वादा कर प्रभु के सामने और प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु ईसा मसीह के पुनरागमन के लिए अपने आप को तैयार करो। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत के छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।